वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग GSTR 4 की सुपर एक्सेल यूटिलिटी शीट डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमने कुछ अमेंडमेंट्स किया है। गवर्नमेंट ने version 3 का एक एक्सेल यूटिलिटी शीट निकाला था। इसमें इतने सारे फील्ड है, लेकिन जो हमने एक्सेल यूटिलिटी शीट बनाई है वो 4A, ये वाला और ये वाला और एक ये वाला, यही बनाएगा। और ये सारा कुछ ऑटोमेटिक ही होगा। बाकी हम लोग क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इंपोर्ट ये सब नहीं कर रहे अपने शीट में, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि जो कंपोजिशन डीलर है वो शायद ये सब में बहुत कम लोग होंगे जो डील कर रहे होंगे। तो इसीलिए हम लोग ने अमेंडमेंट्स के कॉलम क्रेडिट नोट, डेबिट नोट ये सब नहीं डाल रहे हैं, इम्पोर्ट नहीं डाल रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा शीट हमने बनाया है। और इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग आपको सबसे पहले कह रहे हैं कि आप एक मास्टर पार्टी शीट बना लीजिए, जहां जहां से आप परचेजेस करते हैं, चाहे वो फॉरवर्ड चार्ज हो या रिवर्स चार्ज हो। रिवर्स चार्ज कंपोजिशन में सिर्फ GTA का एक मोस्टली हो सकता, बाकी और कुछ होगा नहीं। डायरेक्टर ये सब का शायद ना हो, लेकिन फिर भी आप यहां पर एंट्री कर सकते हैं। कैसे एंट्री करनी है, सबसे पहले आपको अपना डिटेल एंटर करना है, नेम और फिर अपना GSTN नंबर। जैसे ही आप अपना GSTN नंबर यहां लिखेंगे तो ये प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ये अपने आप ये ले लेता है। तो जैसे ही मैंने उसको 24 किया तो ये गुजरात आ गया। तो आप अपना GSTN नंबर लिख दीजिए, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ये खुद ब खुद पिक कर लेगा। इसके बाद आप जिस जिस पार्टी से आप गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं उसकी डिटेल आपको यहां लिखनी है। उसका GSTN नंबर है तो वो लिखना है। GSTN नंबर जैसे ही आप लेंगे तो क्या करेगा, जैसे हमने यहां पर 15 लिखा हुआ, मैं इसको एक बार करता हूं 18। तो ये क्या करेगा, यहां पर ये कॉपी ये वाला ये आसान कर दिया। ये सिर्फ आपके डेटा को आसानी से फीड करने के लिए ये हमने बनाया हुआ है। वैसे तो आपको यहां से ड्रॉप डाउन मेनू से सेलेक्ट करना है आसाम। अगर ऐसा नहीं चाहते तो यहां से आसाम कॉपी कीजिए ड्रॉप डाउन मेनू से और यहां पेस्ट कर दीजिए, वन एंड द सेम थिंग। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी मान लीजिए मैं इसको 01 कर देता हूं और यहां से अब जम्मू एंड कश्मीर, अब यहां से आप सेलेक्ट ड्रॉप डाउन मेनू से सेलेक्ट करते हो, इतना ऊपर जाते हैं फिर जम्मू एंड कश्मीर सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आपको वो नहीं करना, आप पूरा डेटा यहां से कर लिख लीजिए पहले, यहां पर अपने आप आ जाएगा। यहां से उठाइए, कॉपी कीजिए और यहां पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से, और ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि मान लीजिए किसी का GSTN नंबर नहीं है तो आपको लोकेशन ऑफ सप्लायर यहां से ड्रॉप डाउन मेनू से ही लिखना पड़ेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई जहां आपका रजिस्ट्रेशन है वहीं होगा, और कोई तो हो भी नहीं सकता, कंपोजिशन है आप। और ये इंटर और इंट्रा खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा। आसाम लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट है तो इंटर हो गया, अगर सेम हुआ तो इंट्रा हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहां पर एक दिखाता हूं, मैं अगर इसको 07 की जगह मैं इसको 24 कर दिया तो मुझे ड्रॉप डाउन मेनू से भी 24 लेना होगा, लेकिन यहां पर आ चुका है तो मैं यहां से Ctrl+C और यहां Ctrl+Paste और मैं ये जो पोर्शन है ये अपने आप इंट्रा हो जाएगा। तो ये, और फिर आपको ये सेलेक्ट करना है रिवर्स चार्ज में है या नहीं है। Section 9 Subsection 4 भूल जाइए, अब एक ही रिवर्स चार्ज है Section 9 Subsection 3 वाला, स्पेसिफिक रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स एंड स्पेसिफिक रिवर्स चार्ज ऑन सर्विसेज। जैसे हमने एक एंट्री की है GTA ऑन रिवर्स चार्ज, तो इसको हमने यस कर दिया। डायरेक्टर फीस यस कर दिया, बाकी कुछ रिवर्स चार्ज में नहीं है। जैसे ये अनरजिस्टर्ड पार्टी से मैं खरीद रहा हूं तो भी यहां पर रिवर्स चार्ज नहीं है क्योंकि Section 9 Subsection 4 सस्पेंडेड है। तो जो स्पेसिफिक रिवर्स चार्ज है वही रिवर्स चार्ज में हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपको ये सारी एंट्री करनी है। तो अपनी पार्टी की पूरी डिटेल जिससे भी आप खरीद रहे हैं उसकी डिटेल आपको पहले यहां भरनी है। उसके बाद यहां मास्टर इनवॉइस परचेज है, यहां पर आपको सारा डेटा डालना है, चाहे वो फॉरवर्ड चार्ज हो या रिवर्स चार्ज। जैसे पार्टी कोड 2 है, आपको क्या लगता नहीं हमने 5 से खरीदा, तो आप देखिए कितना सारा कुछ अपने आप ये भर जाता है यहां तक इनवॉइस टाइप, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो आपने मास्टर पार्टी शीट में देख से नंबर 5 यहां लिखा तो ये मध्य प्रदेश का है, GSTN नंबर है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, इंटर है, रिवर्स चार्ज नो है, तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली यहां पर भर चुका है वो। इसके बाद अब आपने इस पार्टी से क्या खरीदा है उसका इनवॉइस नंबर, अगर इनवॉइस नंबर में 5-6 प्रोडक्ट है तो अलग अलग आपको इनवॉइस नंबर तो सेम रहेगा, डेट भी सबका सेम रहेगा, इसमें गलती मत कीजिएगा प्लीज, सेम रहेगा, रेट डिफरेंट हो सकता है। और ये एंट्री कर दीजिए यहाँ पर, जैसे 1-1 का अगर टोटल करेंगे तो ऑब्वियसली ये और टैक्स प्लस टैक्सेबल वैल्यू जोड़ के आएगा तो इनवॉइस वैल्यू, इसीलिए दोनों में सेम आ रहा है। मैं अगर इसी को 2 कर देता हूं तो देखिए इनवॉइस वैल्यू 1 का अलग हो जाएगा, 2 का अलग हो जाएगा,
ठीक है, तो इस तरह से ये बनाया हुआ है। इसके बाद जैसे ये पूरा का पूरा इनवॉइस की डिटेल, परचेज इनवॉइस की डिटेल एंटर हो जाती है, ये 4A और B खुद ब खुद बनाएगा। यहाँ पर GSTN नंबर नहीं है, उसके बावजूद एंट्री यहाँ इसलिए दिखला रहा है क्योंकि यहाँ पर रिवर्स चार्ज है। तो अगर आप देखेंगे, मैं आपको गवर्नमेंट की शीट दिखाता हूँ, उन्होंने 4 इसमें क्या लिखा हुआ, इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम ए रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूडिंग सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, यानी कि रिवर्स चार्ज सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में अगर है तो वो अनरजिस्टर्ड से भी हो सकता है। इसीलिए अगर रजिस्टर्ड सप्लायर जिससे आपने खरीदा, अगर रजिस्टर्ड सप्लायर है तो वो यहां आएगा, और अगर अनरजिस्टर्ड है और लेकिन रिवर्स चार्ज में तो भी यही आएगा, ठीक है। और 4C में वही आएगा, इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर एंड नॉट इन रिवर्स चार्ज, तो उसी हिसाब से ये शीट भी बनाई हुई है, तो ये 4C आ गया। तो यहां पर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, जहां पर इसका, अब इसीलिए यहां पर GST नंबर नहीं है और इस पर रिवर्स चार्ज नहीं है, तो वही आ गया, तो यहां आ जाएगा, ठीक है। 11 और 14 नंबर का सीरियल नंबर आया है, तो देख लाता हूं, ये 11 नंबर, एक ऐसी पार्टी जो रिवर्स चार्ज में नहीं थी इसीलिए वो वहां चला गया। 14 ये रहा, ये सेम 11 नंबर, ऐसी पार्टी जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज नहीं है। मैं अगर इसको यहां पर रिवर्स चार्ज में यस कर दूंगा, कौन सी पार्टी है, 11 नंबर, कोडिंग 11 नंबर, यहां पर मैं इसको यहां कर लेता हूं और रिवर्स चार्ज, क्योंकि मैंने GST नंबर डाल दिया तो रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा है, तो यहां से ये गायब हो गया और ये कहां आ गया, यहां आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये काम कर रहा पूरा का पूरा शीट। तो आपका ऑटोमेटिकली, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सर कहां डाले कहां नहीं जाएगा, सोचना बहुत पड़ता है, तो वो सोचने का काम अब ये शीट करेगा। आप सिंपली परचेज की डिटेल यहां डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद ये टैक्सीबल सप्लाई के ऊपर जो रेट है, इसमें भी हमने क्या किया है, आपको सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई नंबर, डेट, ये सब डाल के यहाँ पर पूरा लिख देना। एक खास बात ये किया है कि वो जो आप जो बेच रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है या टैक्सेबल सप्लाई है, और एग्जेम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई का मतलब जैसे नॉर्मल टैक्स रेट, जैसे दूध के ऊपर टैक्स रेट 0 लगता है, तो आप राशन की शॉप चलाते हैं, दूध भी बेचते हैं और उस पर टैक्स रेट नॉर्मल 0 लगता है, तो वहां पर आपको 2 करना पड़ेगा, 2 है तो एग्जेम्प्ट और 1 है तो टैक्सीबल, तो टैक्सीबल और एग्जेम्प्ट, तो कोडिंग है आप याद रखिएगा। तो ये अपने आप यहाँ चेंज हो जाएगा, सिर्फ 1 और 2, मैं टैक्सीबल एग्जेम्प्ट भी लिखवा सकता था लेकिन बहुत लंबा हो जाता लिखना, इसलिए मैंने कोडिंग कर दी टैक्सीबल और एग्जेम्प्ट। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, तो टैक्सीबल है तो 1 टाइप कर दिए, एग्जेम्प्ट है तो 2 टाइप कर दिए, उसके बाद अपने आप ये आ जाएगा। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि 1 जनवरी 2018 से, 1 जनवरी 2018 जिसका नोटिफिकेशन नंबर हमने यहाँ पर लिंक दिया हुआ, उसको आप क्लिक करके भी देख लीजिएगा, मैं आपको एक बार दिखला भी देता हूँ। नोटिफिकेशन नंबर 1 2018 सेंट्रल टैक्स, 1 जनवरी 2018, जरा ध्यान से देखिएगा, इन क्लॉज 1 यानी कि मैन्युफैक्चरर के लिए जहां पर 1% था वहां 0.5% हो जाएगा, और क्लॉज 3 जहां पर ट्रेडर था वहां पर 0.5% ऑफ द टर्नओवर लिखा हुआ था, वहां पर 0.5% ऑफ द टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, तो इसी को हमने हाईलाइट किया हुआ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो मैन्युफैक्चरर के लिए 0.5% ऑफ टर्नओवर लिखा हुआ, अगर सिर्फ टर्नओवर लिखा हुआ यानी कि एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल दोनों को मिला के, एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल दोनों को मिला के 0.5% है, सी और एस का भी वही सेम उसे, लेकिन अगर ट्रेडर है तो 0.5% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर पे उसको टैक्स देना है, एग्जेम्प्टेड पे उसको टैक्स नहीं देना है, और रेस्टोरेंट है तो 2.5% ऑफ टर्नओवर सबके लिए, और रेस्टोरेंट बहुत कम रेस्टोरेंट अब शायद कंपोजिशन में बचे होंगे। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, यहां पर आई एम ए मैन्युफैक्चरर बोलेगा, यस आई एम ए मैन्युफैक्चरर, तो जितना भी आपने यहां पर टर्नओवर लिखा है सबको जोड़ के यहां लिख देगा और 0.5% कैलकुलेट कर लेगा, और SGST में भी। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर की जगह आपने ट्रेडर किया तो जो टर्नओवर एग्जेम्प्ट वाला है उस पर टैक्स 0 देना है, सिर्फ टैक्सीबल पे जहां जहां आपने टैक्सीबल लिखा होगा वहां वहां टैक्स लगेगा, वरना सब कुछ नहीं लगेगा फिर। और अगर आप सप्लायर ऑफ फूड हैं तब तो कहानी, 5% के हिसाब से टोटल टर्नओवर के बेसिस पे, तो ये टोटल टर्नओवर एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सीबल दोनों का जोड़ के वो 2.5% यहाँ, 2.5% यहाँ निकाल रहा है। अब हमारी शीट का डेटा गवर्नमेंट की यूटिलिटी शीट में कैसे जाएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, गवर्नमेंट की यूटिलिटी शीट खोलिए और यहाँ इक्वल टू का साइन लीजिए, 4A और B वाला इक्वल टू का साइन लेने के बाद दोनों यूटिलिटी खुली हुई होनी चाहिए, यहाँ पर आइए और यहाँ पर इसको क्लिक कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ
तो इस बॉक्स में देखिएगा B7, यहां से आपको ये डॉलर के साइन दोनों जगह से हटाने होंगे और एंटर कर। इसके बाद सिंपली क्या कीजिए, यूं एक लीजिए, आ गया, जहां तक डेटा है वहां तक ले लीजिएगा। इसके बाद हॉरिजॉन्टली यहां तक हो गया ये। तो इस तरह से आपका ये शीट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बन के तैयार हो जाता है। सेस में गया नहीं, सेस में नहीं गया क्योंकि सेस का कॉलम ही नहीं है यहाँ पर, वैसे हमने डाला हुआ था। खैर इन एनी केस, अब 4C का डेटा कहाँ से कैसे आएगा, सेम इक्वल टू का साइन, फिर हमारी शीट में आइए और यहाँ पर फिर एंटर मार दीजिए, आ गया। यहाँ से डॉलर के साइन आपको हटाने, नहीं हटाएंगे तो ऑटोमेटिक कॉपी पेस्ट नहीं होगा। एक बार वर्टिकल, तीन ही था, और एक बार हॉरिजॉन्टल, तो ये भी हो गया, बड़ा सिंपल था, हो गया। अब लास्ट जो हम लोग टेबल नंबर 6 है, इसमें सिंपली आपको क्या करना है, सेम हमारी शीट में आइए, तो गवर्नमेंट की शीट में आइए, इक्वल टू का साइन लीजिए और यहां पर, और यहां से डॉलर हटा दीजिए, ये डॉलर हट गया, वर्टिकल और सॉरी सिर्फ वर्टिकल देना है, बाकी तो सब आराम से कैलकुलेट कर लेगा। अगर मैं यही इसी शीट को अपने में सप्लायर ऑफ फूड की जगह मैं अगर मैन्युफैक्चर कर देता हूँ तो उम्मीद तक गवर्नमेंट की शीट में भी चेंज हो जाएगा, और अगर मैं यही ट्रेडर कर देता हूँ तो अगेन गवर्नमेंट की शीट में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो बेसिकली हमने क्या किया, इक्वल टू के साइन के कारण दोनों शीट एक दूसरे के साथ अटैच हो गई है, फर्स्ट क्लास हो गया। अब इसी शीट को आप अपलोड कर सकते हैं, उम्मीद तो अपलोड हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट वालों ने एक कलाकारी ये की कि उन्होंने पेस्ट का जो सिस्टम था, ये जो पेस्ट है ये डिसेबल किया हुआ है। तो गवर्नमेंट से तो रिक्वेस्ट यही है कि हमारे बहुत सारे डेटा को अगर हम कॉपी पेस्ट करना चाहें तो आप करने दें, नहीं तो कितना टाइप करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, तो ये शीट अब आप खरीद भी सकते हैं, बहुत नॉमिनल सा प्राइस रखा हुआ, फर्स्ट 50 यूजर्स के लिए हमने डिस्काउंट भी ऑफर किया है, और हम लोग बुक्स, पेन ड्राइव और टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर चुके हैं। आप टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री है, 25 क्वेश्चंस है और अच्छा बना हुआ, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो मैं एक चैप्टर का प्रैक्टिस टेस्ट मैं आपको एक बार YouTube में करवाऊंगा और आपको अंदाजा होगा कि हमने क्वेश्चन कैसे बनाया है। तो जो CA CS के भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे इंटर हो या फाइनल लेवल के हैं, क्वेश्चंस बहुत अच्छे बने और क्वालिटी के क्वेश्चंस बने हुए हैं, और हर एक MCQ को कई लेवल में डिवाइड किया हुआ है, वेरी इजी, हार्ड, वेरी हार्ड, इस तरह से मीडियम लेवल भी है। तो काफी अच्छा बना हुआ, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर से वो टेस्ट सीरीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी वीडियो क्लासेस ले चुके हैं तो भी उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा बहुत चार्ज ले रहे हैं, बहुत मामूली सा चार्ज है, आप देखिएगा, लेकिन आपको फायदा बहुत करेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, बाय बाय।